हाय एवरीवन वेलकम टू करण क्रंच आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो कैसा रहा कल आप सबका एग्जाम मुझे काफी रिव्यूज आए मेरे कोर्स को लेके काफी बच्चों ने मेल किया व्हाट्सएप टेक्स्ट किया एंड कॉल भी आई काफी बच्चों की तो आई एम थैंकफुल की मेरे वीडियोस एंड लेक्चर्स आपके काम आए एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली आप मेरे पीडीएफ से या मेरे वीडियो से सॉल्व कर सकते थे तो जिसने भी मेरे कोर्सेज ध्यान से पढ़े एंड मेरी गाइडलाइंस फॉलो करी जो मैंने कहा था एंड रिविजन टाइम पे किया ज्यादा फोकस रिविजन पे किया तो उन सबका पेपर स्पेशलाइजेशन का बहुत अच्छा हुआ ठीक है तो आज का वीडियो लाने का क्या मकसद था अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आपका आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी है जो जो गलत ऑप्शंस uh, दिए गए हैं आंसर की में तो ये वीडियो बनाने का मकसद वही है मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो गलत मेंशन है आंसर की में ताकि आप रैंडमली सारे क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन ना भेजें ठीक है एंड अपने पैसे वेस्ट ना करें तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उस उनके लिए बता दूँ इस पर मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके जेके एस एस बी के ठीक है मैंने सुपरवाइजर से स्टार्ट किया एंड सुपरवाइजर uh, का आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया मैराथन सीरीज एम सी क्यू सारा हमारा फिनिश हो गया उसके बाद एस एस बी के जैसे बाकी एग्जाम्स आते हैं जैसे आपका एन टी का एग्ज़ाम आएगा ठीक है तो उनके कोर्सेज़ भी uh, मैं अपने वीडियो पे अपलो अपने चैनल पर अपलोड करूँगी प्लस मैं जेके ए एस का कोर्स भी स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम सोशोलॉजी ऑप्शनल कवर करेंगे प्लस जनरल स्टडीज़ ठीक है एंड सोशलॉजी जो है यू का वो मैं ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ अपनी चैनल वो हमारा 90% परसेंट कम कवर हो गया है जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं नितिन सांगवान एसेंशियल सोचोलॉजी के नाम से ठीक है तो आपको क्या करना है अगर आप ये सारी चीजें मिस नहीं करना चाहते हैं आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कॉमेंट्स में बताना है कि इन वीडियो से आपको कितना फायदा मिला है ठीक है देखो पहला ही क्वेश्चन था विच इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ कम्युनिटी तो जो जब भी मैंने आपको एमसीक्यूज करवाया आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताई उस उसपे मैंने कहा था क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्योंकि ऐसे की स्किप हो जाते हैं ठीक है नॉट ये मैंने आपको कई बार इस चीज पे फोकस किया एंड आई एम श्योर काफी बच्चों ने गलत किया होगा उन्होंने क्या देखा होगा उनको लगा होगा ये नॉट नहीं है एंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ कम्युनिटी एंड उन्होंने वी फीलिंग इसका आंसर लिखा होगा मैं आई हैव विद स्टूडेंट्स मेरे को प्लस स का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाना गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो मुझे पता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स कहाँ पे फॉल्टर करते हैं तो ये सही आंसर की पे ठीक है अब हम वही क्वेश्चंस देखेंगे जो आंसर की पे गलत आए हुए हैं ठीक है या वो क्वेश्चन जिनमें लोगों को डाउट है लेकिन वो आंसर की पे सही है ठीक तो आगे देखते हैं इस आ, ये तो डायरेक्ट ही था चलो इसका आंसर ग्रह विलियम ग्रह सामनर है ये ठीक है एंड ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें लोगों को डाउट है कई ने इसमें इकोनॉमी लिखा है देखो हमारे पास फाइव बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन हैं ये चारों प्लस एजुकेशन मेरे हिसाब से पहले ये क्वेश्चन शुड नॉट है सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके पास चार हैं वो आपके पास पांच गिवन है ठीक है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी के लिए लेकिन अब मैंने आपको ये बात भी बोली है आपको कभी ऐसा लगेगा सारे ऑप्शन देखे के कि सारे करेक्ट है तो यू हैव टू चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट वन ये मैंने आपको लेक्चर्स में बोला है एमसीक्यू सोल्विंग के टाइम पे बोला है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन चूज करो जब आपको लगे सारे ऑप्शन करेक्ट है तो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन के इन्होंने यहीं पर डेफिनेशन लिखी है दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी ठीक है तो अब फिर क्या करना होता है पेपर सोल्विंग का तरीका आपको डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं हमने कहाँ पे क्या पढ़ा है ठीक है तो फैमिली रिलेजन पता ही है इनके बगैर तो सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी नहीं हो सकता है अलग अलग थिंकर्स ने इसके बारे में कहा है अब बात रही इकोनॉमी एंड स्टेट की तो आंसर की पे स्टेट लिखा है एंड मेरे अकॉर्डिंग भी स्टेट करेक्ट है क्योंकि हमने पढ़ा है विदाउट स्टेट स्टेट होता है आपका गवर्नमेंट ठीक है आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट इज अ स्टेट तो स्टेट के बगैर भी जो आपकी सोसाइटी है वो सर्वाइव कर सकती है ठीक है हमने पढ़ा हुआ है मैंने आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी पढ़ाई है ना हॉबीज की ठीक है हमने वो पढ़ा था उसमें जो स्टेट है उसके पहले भी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया था एक स्टेट या कोई एक कोई पावर जो कंट्रोल कर सके ठीक है तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखें स्टेट जो है वो सही ऑप्शन होगा तो इसमें आंसर बी जो है वो करेक्ट है इसमें कंफ्यूजन नहीं uh, होना चाहिए स्टूडेंट्स को फिर आगे आपका ऑप्शन फोर इसमें की में गिवन है डी बट दिस इज रॉन्ग मेरे अकॉर्डिंग डी शुड नॉट बी द आंसर इट्स पीपल शेयर अ डिस्टिंक्ट कल्चर एक डिस्टिंक्ट कल्चर नहीं होता है सोसाइटी का सोसाइटी में काफी लोग होते हैं तो एक कॉम्पोजिट कल्चर होता है ठीक है पहली ही बात इसमें बी जो है वो आपको कट करना पड़ेगा क्योंकि इट ऑक्यूपाइज ए पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया ठीक है ये हम कम्युनिटी में पढ़ते हैं सोसाइटी में नहीं पढ़ते सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट होती है इसका कोई पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया नहीं होता है ठीक है तो अगर हम बी कट करेंगे तो ऑप्शन बी भी खत्म हो जाएगा सी भी यही खत्म होता है एंड ऑल ऑफ अबो भी खत्म हो जाता है तो क्या सिर्फ इसका आंसर ए होगा नहीं ये भी नहीं तो अब हम बचते हैं हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन सी एंड डी सोसाइटी इंडिपेंडेंट अब देखो अगर आप ये रिमाइंड करो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सोसाइटी जो है कई थिंकर्स ने कहा था इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल ठीक है दुर्खेम ने इसको सुई जेनरिस्ट कहा था मैंने लेक्चर्स में बात बताई है आपको तभी मैं कहती हूँ लेक्चर्स के टाइम पे जो भी मैं आपको बोलती हूँ उस चीज पे काफी फोकस किया करो एंड काफी रिवाइज किया करो दुर्खेम ने कहा था सोसाइटी सुई जेनरिस्ट है सुई जेनरिस्ट का मतलब होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल तो उस रेस्पेक्ट में सोसाइटी इंडिपेंडेंट भी है एंड इट हैज ए स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेटेड रोज दिस इज ऑल्सो ट्रू तो आंसर शुड बी सी एंड डी इन दिस केस तो वो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है तो so, मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आप रिप्रेजेंटेशन में जरूरी डालेंगे इसके ग्रेस मार्क्स हो सकते हैं सबको मिले एंड यहाँ पे सिंगल सिंगल मार्क जो है वो काउंट कर रहा है इसीलिए जो भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है फोर्थ क्वेश्चन जरूरी आप डालोगे ठीक है अब रही माइकल फुको की बात इस पे भी बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था नो डाउट इसका आंसर डिसिप्लिन एंड पनिश है क्योंकि उन्होंने प्रेजेंस की स्टडी वगैरह की थी तो डिसिप्लिन एंड पनिश कॉन्सेप्ट वहीं से आया था ठीक है तो ये यूजुअली नेट एंड गेट जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है ठीक है ये आपके लिए डिफिकल्ट था ये नो डाउट एंड मैंने पढ़ाया भी नहीं था क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं था माइकल फूको जो है ये एक सेपरेट थिंकर है जिसकी डिटेल स्टडी आपको बाकी एग्जाम्स के लिए करनी पड़ती है जो सोशोलॉजी स्पेसिफिक होते हैं ठीक है थीके? अब चूंकि डिफिकल्ट है मेजोरिटी ने गलत किया होगा टेंशन की बात नहीं है क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनते हैं डिसाइडिंग फैक्टर यूजुअली इजी क्वेश्चंस बनते हैं जो बच्चों ने गलत किए होंगे ठीक है ये मेजोरिटी ने गलत किया होगा तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी की पे सही था तो ये फॉर्मल सोशोलॉजी इसका आंसर हाँ इसका आंसर जॉर्ज सिमिल ठीक है अब देखो फॉर्मल सोशोलॉजी ऑल मैंने आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ाया देखो एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हमने हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ा हमने मैक्स वेबर पढ़ा ठीक है ये इनकी दोनों दोनों थिंकर्स हैं इनके मैंने आपको की कॉन्सेप्ट बताए उन की कॉन्सेप्ट में फॉर्मल सोशोलॉजी कहीं पर भी नहीं था तो आधे बच्चे इस ट्रिक करके भी सॉल्व कर सकते हैं एंड एस एन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इसका माल ठीक है ये मैंने आपको लॉज ऑफ पॉपुलेशन बताया था लॉ ऑफ पॉपुलेशन जो किसने दिया था माल्थस ने दिया था ये हमने एमसीक्यूज में बताया था मैंने आपको इसकी बुक का नाम भी कहा था एंड ये जो लॉ ये जो पॉपुलेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा था उसकी थियोरी भी मैंने आपको बताई थी तो ये हमारे एमसीक्यू में कवर हो गया है ऑलरेडी ये आ, ये ठीक है ठीक है ये हमने पढ़ा है एंड सरूरल पोलिगनी हाइपरगैमी अनुलोमा ये भी आ, उस पे आंसर की पे ठीक है ये भी हमने पढ़ा अच्छे से अब देखो टेंथ ये भी ठीक है इसका आंसर सी था ठीक है अब देखो मैंने आपको जब फर्न टोनीस पढ़ाया था मैंने आपको कहे थे इसके दो टाइप ऑफ सोसाइटीज इसने दिए थे जेमिन शाफ्ट एंड जैसे चार्ट और मैंने कहा था एम से याद रखना जेमिन चार्ट आपका कम्युनिटी है एंड एस एस से याद रखना जैसे चार्ट आपका एसोसिएशन है अगर आप रिकॉल करो वो लेक्चर ठीक है तो अगर आपको सिर्फ इतना ही पता इतना ही आप क्लिक कर पाओ रिकॉल कर पाते कि फर्ड एंड टोनीज जेम इन चार्ट कम्युनिटी एसोसिएशन तो आपका आंसर सही हो जाता है यहाँ पे क्योंकि बी वन सिर्फ एक ही में दिया हुआ है दैट इज योर आंसर सी तो ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है Uh, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है एंड ये वाला तो मैंने एम में डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ था बस थोड़ी वर्डिंग इधर उधर है बाकी क्वेश्चन डायरेक्टली यही आया था एरिक Eric एरिक्सन ये भी करेक्ट है स्टेजेस सारी हमने पढ़ी एंड मैंने आपको कहा भी था लेक्चर्स में एंड सी में भी कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो क्रोनोलॉजी भी दे सकते हैं आपको एंड क्रोनोलॉजी मैंने आपको मैराथन में भी रिवाइज करवाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी रिवाइज कराई लेक्चर्स में भी रिवाइज कराई ठीक है थीके? तो जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे उनके uh, 50, उनके सिक्सटी में से फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स जो है करेक्ट आ रहे हैं क्योंकि उतने क्वेश्चन डायरेक्टली आप मेरे वीडियो से देख सकते थे फिर आ गया ये सोशलाइजेशन ये भी करेक्ट दिया हुआ देखो इसमें भी अगर मैंने डायरेक्टली आपको सोशल लर्निंग थ्योरी नहीं पढ़ाया था लेकिन हमने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हमने मार्क्स में डिस्कस किया था ठीक है साइको एनालिटिक थियोरी हमने पढ़ा है ये हमने मैंने आपको फ्रूड में बताया था फ्रूड के जो स्टेजेस थे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म फंक्शनलिज्म मैंने आपको बताया हुआ है कि सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है सोसाइटी के वेरियस पार्ट्स ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एंड ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड इमिटेशन से रिलेटेड नहीं थे ठीक है तो इसका ऑब्वियस आंसर क्या होना था सोशल लर्निंग थ्योरी ये डायरेक्टली है ये सारे क्वेश्चन में mentioned है है ठीक हमने पढ़े हैं एंड ये वाला क्वेश्चन जो है ट्वेंटी वन क्वेश्चन ये भी गलत दिया हुआ है आंसर की पे ठीक है उन्होंने शायद डिफरेंस थियरी लिखा है लेकिन इसका आंसर है यू टेलीटेरियन थियरी आंसर डी ठीक ये हमने नहीं पढ़ा है कहाँ से आपको उठा के दिया हुआ है ये बेसिकली एथिक्स से रिलेटेड होता है एथिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूटिलिटेरियन थे क्या होता है आप देखो अगर नाम से अगर किसी को पता होगा यूटिलिटेरियन जो कोई पर्पजफुल हो किसी चीज का जो पर्पज सर्व करे ठीक है जो आप किसी चीज के लिए यूटिलाइज कर सको वहां से भी आप एक कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हो ये हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि आई डोंट नो ये कहाँ से उठा के उन्होंने आपको दिया हुआ Cross, okay, founder, है यूटिलिटेरियन थे का रेड क्रॉस के फाउंडर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हेनरी डोनॉन्ड ये भी ठीक है सारे तीन क्वेश्चन गलत हैं ठीक है थीके? देखो जो हार्म रिडक्शन मॉडल है ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था उसमें ड्रग एडिक्शन की जो स्कीम्स लिखी थी उस स्कीम्स के स्टार्टिंग में हमने एक अप्रोच डिस्कस किया हुआ था कि कौन सा अप्रोच यूज किया जाता है वो अप्रोच में हार्म रिडक्शन मैंशनड है ठीक है तो वहां से भी डायरेक्टली आप मेरी पीडीएफ से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होते इसका आंसर बी है एंड ये क्यों आया था ये वाला क्वेश्चन क्योंकि मार्च में ये न्यूज में था तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको स्पेशलाइजेशन में कुछ पूछा गया है तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे एम सी क्यूज एंड पी डी एफ में मैंने आपको बताए हुए थे ये भी सारे सही हैं ये वाला जो क्वेश्चन है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ये इन्हें डायरेक्टली किसी वेबसाइट से कॉपी किया है राइट टू इक्वालिटी ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है एंड स्पेशलाइजेशन uh, में भी अब देखो स्कीम्स का मैंने आपको कहा था पॉवर्टी की मैंने आपको अलग अलग स्कीम्स बताई थी एंड वो स्कीम्स पहले ही मैंशन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट विद इट्स ईयर ठीक है 1987 और समथिंग ऐसा ही कुछ ईयर है एंड स्कीम मैंने आपको कहा था आप क्या याद रखोगे मिनिस्ट्री याद रखोगे ऑब्जेक्टिव याद रखोगे एंड ईयर याद रखोगे ठीक है तो वहां से भी आपके दो क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने ईयर्स याद रखे होते मेन मेन स्कीम्स के तो ये इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर थर्टीन ये भी सही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कईयों को ग्रॉस नेशनल इनकम लग रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पे पीक्यूएलआई मेंशन किया हुआ है हमने जो चैप्टर पढ़ा था सोशल इंडिकेटर्स उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ठीक है और उसके इंडिकेटर्स में पहला ही मैंशन किया हुआ है मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ये जो हेल्थ स्टेटस है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए पॉपुलेशन है दिस इज नथिंग बट योर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाला ठीक है एंड उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पहला ही इंडिकेटर मेंशन है दिस इज ऑल्सो करेक्ट अगर आपने मेरे लेक्चर्स फॉलो करे जो मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया था अगर आपको सिर्फ उतना ही पता होता तो आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते क्योंकि ई वन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो आंसर ए ठीक है तो अभी तक दो क्वेश्चन हमने देखे जो इसपे गलत है ठीक ये सारे बाकी क्वेश्चन जो है वो आपको मेरी पीडीएफ पे मिल जाएंगे सारे मैंने आपको पढ़ाए थे हमने पलरमा प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा था लेकिन जेनीवा क्योटो एंड पैरिस ये तीनों हमने पढ़े हुए हैं एंड ये तीनों ट्रैफिकिंग से रिलेटेड नहीं थे तो ऑब्वियस आंसर क्या है पलेरमो ठीक है इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ये भी काफी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी और हाँ प्राइवेट गेन जो है इसका आंसर कई उन्हें ह्यूमन राइट्स लिख रहे हैं कई सोशल जस्टिस लिख रहे हैं इसका करप्शन ही है वो आंसर की पे करेक्ट है टाइप्स ऑफ करप्शन जो है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने मेंशन किए हुआ है कि, कि करप्शन किस लिए की जाती है अगर कोई करप्शन के टाइप्स भी कौन से के टाइप में क्या आता है कि अगर कोई अपने पावर को अपयूज करे किसी प्राइवेट गेन के लिए एंड पावर किसके पास होगा जिसके पास अथॉरिटी होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ करप्शन होता है जो कोई अब्यूज करेगा पावर को प्राइवेट गेन के लिए ठीक है तो दैट इज अ टाइप ऑफ करप्शन ये सारी चीजें जो है ये सिंपल है ये हमने पढ़ी है ठीक है ये कार्बोहाइड्रेट से भी मैंने बताया विटामिन डी जो है कैल्शियम ये हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं कैल्शियम विटामिन डी का रिलेशन एंड ये इंसुलिन वाला, वाला क्वेश्चन है डायरेक्टली मेरे एमसीक्यू से आया हुआ है मैंने एमसीक्यू में ये आपको डाला हुआ था मेन गोल तो गोल ऑफ हेल्थ प्रमोशन तो जेनरिक्स सा क्वेश्चन है इसका आंसर ये है एंड ये जो 74 डिग्री सेल्सियस है हीटिंग के लिए ऑल दो यहाँ पे पोल्ट्री के लिए सिर्फ लिखा हुआ है लेकिन मैंने हीटिंग में आपको 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस पढ़ाया हुआ है फूड प्रोसेसिंग चैप्टर में तो वहाँ से बच्चों ने सही आंसर लिखा हुआ है सी ये सलमान अला है ठीक है ये आ, इसका ई कोलाई भी कई लिख रहे थे कई सालमना भी लिख रहे थे मेरे अकॉर्डिंग बहुत करेक्ट थे लेकिन चलो सलमान भी करेक्ट है क्रॉस कंटेमिनेशन ये भी जेनरिक्स सा क्वेश्चन है नॉर्मली इंसान लॉजिक से सॉल्व कर सके और फूड पॉइजनिंग सबको पता है क्या होता है ये भी सही था इसमें हम देखते हैं गलत क्या था हाँ ये वाला क्वेश्चन भी गलत है फिफ्टी थर्ड इसमें इन्होंने लिखा है न्यूट्रिशन का नहीं लिखा हुआ है बट न्यूट्रिशन जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऑब्जेक्टिव्स में आता है ठीक है तो ऑप्शन डी जो है ये ऑप्शन डी होना चाहिए बट आई गेस इसमें ऑप्शन बी करेक्ट लिखे आंसर की पे तो ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रेजेंटेशन में डाल देना ठीक है देखो स्कीम्स वाला क्रोनोलॉजी वाला है अगर इसमें आपने वो ईयर्स याद किए होते जैसे मैंने आपको कहा होता तो वहां से आप एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाते अटल पेंशन योजना ये भी सही है वर्ल्ड ये, ये भी सही है ये भी सही है सीनियर सिटीजन हाँ अब देखो पेंशनर्स के हमने जितने भी एक्ट पढ़े थे या सीनियर सिटीजन के जो भी हमने स्कीम्स पढ़ी थी वो सारी इस मिनिस्ट्री की थी तो ऑब्वियस आंसर था इसमें ये वाली मिनिस्ट्री ठीक है एंड सुरक्षा सुरक्षा योजना में हमने कैसी चीजें पढ़ी हमने इसमें आशा वर्कर्स का पढ़ा ठीक नेशनल हेल्थ मिशन जैसी चीजें तो वो किससे रिलेटेड होते हैं आपकी मेजरली प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ठीक है अब सिक्स क्वेश्चन जो है ये भी जेनरिक्स सा क्वेश्चन है इसका आंसर ऑब्वियसली पोषण अभियान जो था वो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एक तो हमने पढ़ा भी है इस के रिलेटेड चीजें पढ़ी भी हैं एंड न्यूट्रिशन डायरेक्टली मेंशन भी है तो इसका आंसर ए ठीक है अब रहा ये वाला इसमें कंफ्यूजन है ए और डी के रिगार्डिंग तो मेरे हिसाब से इसमें बोथ ऑप्शन जो थे वो करेक्ट इंसान कर सकता था मार्क ठीक है दोनों वाली स्कीम्स में कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट को कुछ सेक्शन के लिए फ्री कराया गया है ये ऑल इंडिया स्कीम है पैन इंडिया एंड ये महाराष्ट्र की स्कीम है तो इसके भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल देना हो सकता है वो इसमें दोनों ऑप्शन जो है वो कंसिडर करें तो थ्री क्वेश्चन जो है आपके वो गलत है एंड ये प्लस फिफ्टी नाइन में के एक फोर तो फोर क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन आप जरूर डालना ठीक है तो जिन इनका पेपर अच्छा हुआ है ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए आई डोंट थिंक थिंक कट ऑफ उतना ज्यादा जाएगा ठीक है जिसका भी 80 to 85 80 अबो बेसिकली जिसने भी क्रॉस किया आई ओपन मेरिट के लिए आई थिंक वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में है फाइन तो जिनका नहीं हुआ उनको डिसऑर्टर नहीं होना है उनको क्या करना है अब उनको थोड़ा रेस्ट करना है एंड उनको अपना गार्ड लोअर नहीं करना है उनको नए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है ठीक है थोड़े टाइम के लिए अपने आपको टाइम दो हील होने के लिए जिस बाउंस बैक क्विकली एम हेयर अगर आपको कोई भी बात करनी हो तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप मुझे मेल भी कर रहे हैं मैं कॉल्स भी कल से अटेंड कर रही हूँ तो आपको क्या करना है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना फायदा हो रहा है इस चैनल से ठीक है तो टिल द टाइम आप लोग बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे